फिनाले की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है और कितना क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, तो एवरी डे एपिसोड देख रही हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग हो गया गेम. गेम कह लो या पर्सनालिटीज का उभरना कह लो, यू नो, अब ऐसे लग रहा है कि एक सबका बहुत हमने अच्छा स्वभाव देखा, शांत स्वभाव देखा, एक सबने अपनी समझदारी भी दिखाई. अब सब यू नो इस लेवल पर चीजें आ गई हैं कि कौन कितनी हद पार कर सकता है अपने आप को आगे ले जाने के लिए एक तरफ से कह लो, या किसी और को नीचा गिराकर आगे ले जाने के लिए कह दो, यू नो. तो उनकी वो एलिमेंट्स सबके नजर आ रहे हैं जो गेम में भी सब एक दूसरे को बोले अच्छा तो यही तुम्हारी सच्चाई है. हाँ, सच्चाई इंसान की दो तरफा ही होती है, एक अच्छाई एक बुराई. तो सबने अच्छाई देखी, अब वो हर किसी का आप एक अलग रूप देख रहे हैं. आई थिंक यू नो हैट्स ऑफ टू टीम ए, जो उन्होंने इतना कुछ सहा, वो मिर्ची मसाले एंड यू नो वो तेल और फिर वो मसाले मिर्ची के ऊपर पानी डालना, आई मीन इट वॉज टू मच एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरह उन चारों ने इस टास्क को किया. एंड क्या ही बोले, मतलब टीम बी के बारे में हंसी बंद नहीं होती है कि इतने डर गए, मतलब इतने डर गए सारे के सारे कि सब कुछ छुपाने पे तुल गए. और फिर आप बोलते हो कि भाई यू नो यू आर अ वेरी डेयरिंग पर्सन, और मैं हर चीज का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हर हालात का सामना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. टीम ए वाज द वन हु वाज इन द टास्क, राइट? यस, नो, टीम बी. टीम बी वाज मुनव्वर वाज टीम बी. अच्छा, सो देन आई विल सॉरी रीफ्रेज द होल थिंग, व्हिच इज हैट्स ऑफ टू टीम बी, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक और अरुण जी, कि जिस तरह उन्होंने इस टास्क को किया, सारे वो मिर्च मसाले पानी तेल साबुन का पानी, आई मीन इट वॉज टू मच, यू नो. ये हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम इतने कमेंट्स मारते हैं, बट एक्चुअली उस घर में हर दिन एक नया चैलेंज होता है अपने आप से, यू नो. एंड बाकी टीम ए का क्या ही कहें, हंस हंस के पेट नहीं यू नो पेट दुखने लग गया था कि मतलब इतना डर गए इस टास्क से, तो फिर किया क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहले कर रहे हो तो ये समझो कि दूसरा वाला तो उससे ज्यादा ही, कम से कम 2% ज्यादा जाकर तो कुछ ना कुछ करेगा ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. जैसे आपने जो कुछ भी किया वो आपने अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लिए, बिग बॉस के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया, बट इनकी तो इतनी बुरी तरह हालत खराब हुई कि ये तो रातों रात हर चीज छुपाने में, इधर डाल उधर डाल, गमले में, छत के ऊपर बाल्टियां, मतलब हद ही कर दी. बट फिर कहते हैं ना, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है. फिर बिग बॉस आए और सारा पासा ही पलट दिया. अब बताओ ये बेचारे तो ऐसे ही शॉर्ट्स में या ट्रैक्स में या हाफ स्लीव्स, टीचर वो सारे डबल क्लोथिंग पैकिंग, ये वो हाथ हाथ भंडारा, जैसे देखा, इट वॉज रियली क्रेजी. मतलब और जब बिग बॉस ने सारा पासा पलटा तो इनकी इनकी हालत इतनी खराब है कि ये कहने की जगह कि हाँ यार हमसे यू नो हमारी फट गई इन द लिटरल सेंस, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये डरपोक निकले जब इन्होंने कहा कि भाई हम इन्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे, हम ऑप्शन टू चूज करेंगे, जो बिग बॉस ने दो ऑप्शन दिए आर्काइव्स रूम में. एंड उस पर भी वो कहते हैं ना, चाहे तुम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, टांग हमेशा ऊपर रहनी चाहिए. ये उस किस्म के लोग हैं टीम ए वाले, कि मतलब टांग तो टूट गई लेकिन पैर हमारा ही ऊपर खड़ा रहेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट दे डिड, और उनका जो उन्होंने ये शुरुआत की, शुरुआत उन्होंने की, बिग बॉस उनको चांस देंगे, बिल्कुल मौका मिलेगा तो आप करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने डर डर यू नो एक डरपोक बन के तो आपने सारी चीजें छुपा दी या यू नो उन्हें नहीं दी. एंड द वे विक्की वाज बिहेविंग, मुनव्वर के साथ वो मसाले छीनना, एंड द वे यू नो अपनी अंकिता वाज टॉकिंग टू मनारा, विक्की वाज टॉकिंग टू मनारा, द वे आई मीन ऐसा देखा जा रहा, ये भी उनकी असलियत है. यस मैम, ऐसा देखा जा रहा था कि ये झगड़े में, झगड़ा एक अलग चीज होता है लेकिन ये कुछ अलग पर्सनल टारगेट्स, पर्सनल टारगेट्स, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं. यस यस यस, टोटली, बहुत बुरी तरह. अब मतलब अगले दिन भी जब मुनव्वर वो बाल्टी निकाल रहा था, एंड द वे विक्की पुल्ड हिम, आई मीन ठीक है भाई गेम है, बट ऐसे थोड़ी कि तुम किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाकर यू नो वो तो उसका बैलेंस रह गया. वरना आई एम सॉरी, मैंने
लिटरली वो शॉट रात में दो बार देखा और फिर सुबह दोबारा देखा कि ये लैंड किस चीज पे गया। वो जो टेबल पे लैंड किया ना, वो लिटरली एक फुट ब्रॉड है, जरा उसका पैर यहाँ वहां होता तो इधर टेबल उधर वो लकड़े की बेंच है और पीछे की तरफ वो पेड़ का वो जो उन्होंने ना बनाया हुआ है सिटिंग। आई मीन ही वुड हैव रियली हर्ट हिमसेल्फ वेरी बैडली एंड विकी जस्ट डिडंट बॉदर। तो इतना क्या डर है, बाल्टी में तो वो पानी भरेगा ना, तुमने मिर्चें डाली थी वो भी थोड़ी मिर्चें डाल देगा, जब तुमने डालते समय नहीं सोचा तो फिर अब क्यों डर रहे हो, निकालने दो ना बंदे को बाल्टी। बट इररिलेवेंट, वो जिस तरह उसने वो रॉड खींची और मुनव्वर बोल रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, ही जस्ट डिडंट केयर। और उसके बाद जो रात को झगड़े हो रहे, जब मुनव्वर मसाले वगैरह यू नो ले रहा था, जान उन्होंने छिपाए थे उसे मिल गए, वो छिपा रहा था या जो भी उसने अपने पास रखी थी, हाउ दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, बट मेरी मदर जो इतनी आर्डेंट वॉचर है, मीन इट डजंट मैटर मैं घर के बाहर हूँ, आज भी 24/7 वो बिग बॉस देखती हैं। उनका ये है कि बड़े गंदे लोग हैं, ये इनका कैरेक्टर है, ऐसे करना है। मतलब इन्हें नहीं पता था टास्क है, भाई तुम करोगे तो वो भी करेंगे तो तुम भी करोगे, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज वेरी बैड। बट आई एम डूइंग ऑल दीज पर्सनल अटैक्स, और क्या क्या विक्की बोल रहा है यार मनारा को और मुनव्वर को, लाइक हद है। बट द किक एस वॉज दैट कि जब मुनव्वर ने विक्की को बोला, जब विक्की बोला क्या करेगा, तो उसने बोला तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा। आई वॉज लाइक बॉस, ये तो लिटरली वो सीटीओ वाला डायलॉग है जो उसने समर्थ के लिए कहा और जो ये विक्की के लिए बोला है, एंड आई एम श्योर ये होगा। आई टोटली अग्री। मुझे ऐसे लगता है, देखिए इंसान की पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे सही चाहे गलत। मतलब मुझे कई लोगों ने पूछा कि मुनव्वर का उसकी वो पर्सनल जो भी चीज़ें हैं बाहर आई, तो मैंने कहा देखिए एक चीज़ समझिए, मैं मुनव्वर को बिग बॉस में मिली हूँ, है ना, 2.5 महीने में रही उस घर में, मुनव्वर के साथ हमारी दोस्ती बनी, मुझे उस बंदे में कुछ गलत नहीं लगता। बाकी हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सही गलत उतार चढ़ाव रहते हैं, मैं कौन होती हूँ उससे जज करके बोलूँ कि भैया अब तक तो हम अच्छे थे पर अब तेरी इस इंसिडेंट की वजह से मैं सोचूंगी मैं तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ कि नहीं। इनफैक्ट एक चीज़ है जो मैं बहुत स्ट्रांगली मुनव्वर के फैंस को, मुनव्वर की जनता को और अभिषेक के फैंस को कहना चाहती हूँ कि रियली ग्रेट जो इनकी इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं, इट्स रियली अमेजिंग, रियली कमेंडिंग जो आप सब इन दोनों को इतना सपोर्ट करते हैं। बट डोंट फॉरगेट कि मैं इनकी फैन नहीं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, है ना, और मेरा कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से बेहतर नहीं है या खराब नहीं है। अगर मुनव्वर में कुछ फ्लॉज थे तो अभिषेक में कुछ फ्लॉज थे, पर मेरी दोस्ती उनके उन अच्छाइयाँ या बुराइयों पे नहीं टिकी हुई है, या उनकी हार या उनकी जीत पे नहीं टिकी हुई है मेरी दोस्ती उनसे। मैंने उनसे दोस्ती की है, चाहे फिर उनका सही हो या उनका गलत हो, उनकी हार हो या उनकी जीत हो, वो अच्छा खेल रहे हो या वो शांत बैठे हो या वो टूट गए हो, मैं उन दोनों की दोस्त हूँ बराबर की। तो मेरे लिए कि मैं अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ या मुनव्वर, मुझे इतना पता है कि सलमान सर के हाथ में, एक हाथ में मुनव्वर का हाथ होगा, एक हाथ में अभिषेक का हाथ होगा, और मेरे लिए उन दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ ऊपर जाए मेरी जीत है, बिकॉज मेरा दोस्त जीता है, फिर चाहे वो मुनव्वर हो चाहे वो अभिषेक हो। बाकी ऑफकोर्स आप फैंस हो, आपकी अपनी अपनी लॉयल्टीज है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट आई थिंक मुझसे ये उम्मीद रखना कि मैं मुनव्वर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही या अभिषेक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, दे माई फ्रेंड्स, यू नो, और मेरे लिए मेरा कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कम या ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली जब सलमान सर ने मेरे बारे में रेफर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में मुझे हमेशा यही बोला जाता था, चाहे मुनव्वर के लिए चाहे अभिषेक के लिए, पर हाँ अभिषेक के लिए ज़्यादा, क्योंकि उसका एक वो अग्रेसिव बिहेवियर जो था, जो आप खुद सब देख रहे हैं, जनता देख रही है, अभिषेक में बहुत चेंजेस आए हैं। तो कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होता है, यही चीज़ मैं अंदर भी कहती थी, यही चीज़ मैं आज भी कहती हूँ कि टू चेंज वन सेल्फ इज़ एन एफर्ट, एवरी डे कॉन्शियस एफर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान 100% अपने आप को या अपनी पर्सनैलिटी को बदल देगा, पर आज हमने उसे देखा है वो चेंज को बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल। एंड मुनव्वर का भी जो एक बहुत बुरा फेज आया, एंड आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम, मतलब जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड वाज ऑल आई कुड डू,
और जब मुझे सलमान सर ने मेरे नाम होते हुए भी ये कहा कि ये तो बायस्ड है पर ये अपने दोस्तों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे उनका सही हो चाहे गलत हो, वो खड़ी रहती। तो हाँ मैं वही हूँ, मैंने वहाँ पर रिश्ते या दोस्तियाँ शायद इसीलिए यू नो गेम मेरे में था नहीं, क्योंकि मैं रिश्ते ढूंढ रही थी। और मेरे चाहे वो अभिषेक हो, मुनव्वर हो, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी, इनके साथ मेरे रिश्ते ओवरनाइट नहीं बने, एक वक्त के साथ ग्रो हुए और मुझे ये लोग अच्छे लगे। वाई इज़ दैट मुझे ईशा या समर्थ या विक्की या अंकिता इनके साथ इस कदर की मेरी बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज बहुत अलग है। वो है भाई, वो चालाक किस्म के लोग हैं, उनकी सोच बहुत अलग है। मनारा से भी काफ़ी हद तक हुई थी, टुवर्ड्स द लास्ट वीक मनारा और मेरा बहुत क्रॉस गया, बिकॉज मुझे लगा कि मनारा रिश्ते सिर्फ एक मतलब के लिए, एक मकसद के लिए बनाती है, विच इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन। या यू नो लाइक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में कहा भी है कि वो एक चेकबॉक्स होता है, वो टिक ना हो तो मनारा टिक ऑफ हो जाती है, पर दोस्तियां ऐसे नहीं होती। चाहे फिर वो मुनव्वर, अभिषेक और मैं रहे हों, हम बहुत क्लियर थे कि वक्त आएगा कि हमें एक दूसरे को नॉमिनेट भी करना पड़ सकता है, एक दूसरे के आमने सामने खिलाफ भी खड़े रहना पड़ सकता है फॉर द सेक ऑफ द गेम। और हम सब वही करेंगे एज कंटेस्टेंट्स, एज कंपेटिटर्स, जो हमें करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर टूट गई तो फिर शायद यहीं तक वो रिश्ता था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर ने ये बात कह के मेरे उन सच्चे रिश्तों को वैलिडेशन दे दी। उसके बाद मुझे ध्यान में है कि विक्की की मम्मा ने भी मेरे बारे में बात की थी, यू नो कि मैं मुनव्वर और अभिषेक को काफ़ी बूस्ट कर रही हूँ बाहर इन माय इंटरव्यूज एंड वेयर एवर ऑन सोशल मीडिया आई कैन एंड आई वांट टू आई डू इट। फिर एक और, फिर अब रिसेंटली मनारा बोल रही थी हाँ भाई रिंकू जी होती तो यू नो, सो आई एम रियली ग्लैड कि दिस इज मी और ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनके साथ, इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये सही है ये गलत है, मैं इनके साथ खड़ी रहूंगी। हाँ उन्हें समझाना है या डांटना है या उनके साथ हाई फाइव देके यू नो इन्जॉय करना है, ये वक्त और सिचुएशंस बताएंगी, और वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आंटी जी मज़ा आ गया आपको देख कर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं ना लगभग 26 साल से डेली सोप्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे एक कॉलेज गर्ल से एक मदर, भाभी, चाची, सास के रोल्स करने आई, तो ना कभी कभी हम जब स्क्रिप्ट या कैरेक्टर सुनते थे तो लगता था यार ऐसे कौन होता है आज की तारीख में। बट आंटी जी थैंक यू सो मच, आपको देखकर ना यकीन हो गया कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम जो वो कैरेक्टर्स करते हैं वो फिक्टिशियस नहीं है, मतलब एज फिक्टिशियस वी प्ले देम, बट ऐसे लोग मौजूद हैं, यू नो दिस टिपिकल सास एंड ऑल। सो एज एन एक्टर इट वॉज अ प्लेजर टू सी यू, बट एज अ पर्सन जो आंटी जी ने सिर्फ अंकिता की काइंड ऑफ बोले तो क्लास ली, तो दैट वॉज नॉट राइट, क्योंकि जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में किया बोला कि यू नो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, एंड ठीक है दो हस्बैंड वाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, प्लस ये उनका घर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, ये कॉम्पिटिशन है, और ये कॉम्पिटिशन अंकिता और विक्की के बीच में भी है, कितना भी आप चाहो या ना चाहो हाथ एक ही का उठेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का नहीं उठने वाला है। और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग करियर बैकग्राउंड से हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस रखने वाले हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भैया हमें हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। कई चीज़ों में जहाँ उनकी सोच मिलती है वहाँ सब सही रहता है, जहाँ उनकी सोच क्लैश हुई है वहाँ डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट या एक वैसा उन दोनों का बिहेवियर दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी जी का सिर्फ अंकिता से यू नो कहना द बेस्ट वॉज पति भगवान होता है, समथिंग लाइक दैट। आई एम सॉरी बट आई कुड नॉट हेल्प माई सेल्फ लाफिंग, चाहे मैं कितने भी ऐसे किरदार करूँ, बट इट वॉज हिलेरियस फॉर मी, एंड या आई फेल बैड फॉर अंकिता, नो डाउट अबाउट इट, स्पेशली जो उन्होंने उनकी मॉम को फोन करके यू नो बोला, एज एन अंकल जी विक्की के पापा ने बोला, इट इज़ नॉट राइट। आई डोंट नो क्यों ये इन लॉज ऐसे करते हैं कि लड़की के घर वालों पर, उनके माँ बाप पे चले जाते हैं। भाई आप भी पेरेंट्स हो,
आप थोड़ी ना अपने बेटे को ऐसा यू नो चालाक लोमड़ी बनना सिखाते हो, ठीक है वो चलो आई डोंट नो, आई मीन ऑनेस्टली आई सबमिट अप, आई डिडंट लाइक इट ऑन अ पर्सनल लेवल, आई फेल बैड फॉर अंकिता एंड हाँ अगर ज्ञान देना ही है और तो दोनों को दीजिए ना, जब आप कहते हो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, चाहे ट्रॉफी अंकिता जीते या विक्की जीते, ट्रॉफी तो हमारे ही घर आएगी, तो सीख भी तो दोनों को ही जानी चाहिए। सिर्फ विक्की को ये कह देना अंकिता तो सिर्फ तेरा वक्त मांगती है, उसे वक्त दे दे, इतना ही काफी नहीं, अंकिता की तो जईते ही फेरने में आते सॉरी मुझे कोल्ड कॉफ है, बट या आंटी जी थोड़ा अपने बेटे को भी बता दीजिए, जो इतना उसका ये 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 चलते रहता है, तो भैया आपकी बहू गलत नहीं है जब वो उसे आंखें दिखाती है, क्योंकि कोई नहीं झेलेगा यू नो। एंड फिर जब आप बोल रहे हो कि नेशनल टेलीविजन, तो विक्की को भी तो थोड़ी बहुत अपनी हरकतों पे कंट्रोल रखना चाहिए। उन्होंने विक्की की मॉम ने एक वर्ड लाइन दे दी कि विक्की ने आपको छूट दिया है, तो ये किस तरीके का छूट होता है, कि इसको क्या डिफाइन करते हैं? अव्वल तो मैं उस पहली लाइन से ही समझ नहीं रखती, छूट दी है कौन है विक्की, छूट देने वाला है ना, और छूट दिए मतलब अंकिता कौन है, यू नो इज इट लाइक मास्टर एंड यू नो लाइक क्या बोलूं, जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोलना नहीं चाहती, बट आई एम श्योर आप समझ गए कि छूट देना क्या होता है भाई। ये दोनों के आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है, यू नो दैट वी हैव फ्रेंड्स एंड दिस इज द वे वी आर, and of course as husband and wife they should know their limits and they know how far they can go, itni samajh Vicky mein bhi hai, itni samajh Ankita mein bhi hai, to koi kisi ko chhoot nahi deta hai na, aur Ankita kisi mujhe nahi lagta Ankita kafi strong ladki hai aur samajhdar ladki, bewakoof nahi hai, theek hai baki game mein jo kuch bhi ho raha hai but ek insaan ki personality ke bare mein jab hum baat bole to bewakoof nahi hai। अगर आज वो इरिटेट हो गई है या आज वो हर चीज पे माफिया मांग रही है, मतलब मुझे ऐसा होता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, अगर तुम्हें अपने पति का पर्टिकुलर कुछ बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम बोलो, व्हाई आर यू सॉरी अबाउट इट, जस्ट बिकॉज यू नो आपको वो फैमिली वीक में इतना सुनना पड़ा। आई अंडरस्टैंड कि वो एक मर्यादा है, वो एक यू नो गृहस्थी, आपको हर चीज एक औरत को संभालनी पड़ती है, खुद को, पति को, अपने परिवार को, सबसे ज्यादा पति के परिवार को, अपने ससुराल वालों को, आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या कहें, फिर तो ये वही है ना औरत की कहानी कि क्या करे क्या ना करे, किसको खुश करे किसको खुश ना करे, उनको खुश रखने के चक्कर में अपने कुछ चीजें मार। सो आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये छूट देना छूट लेना इज वेरी, आई डोंट अग्री विद दिस, कोई यहाँ पर पट्टा बांधा हुआ कुत्ता नहीं है जैसे छूट दिए कि यू नो चेन निकाल दिए जाओ तुम भाग लो, फिर जब आई मीन आई एम सॉरी दिस इज नॉट द वे टू पुट इट ऑल्सो, देयर एल्डर्स एंड माई रिस्पेक्ट टू देम, बट दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू से। और अगर छूट दिए तो फिर विक्की को भी अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए एज अ मैन एज अ हस्बैंड, और वो भी किसी का जवाई है और आप ही के परिवार का बेटा है, तो उसे भी समझ में आना चाहिए कि वो किस प्लेटफॉर्म पे किस तरह बिहेव कर रहा है। जो चीज अंकिता बार बार इन अ वेरी सटल वे विक्की को बार बार आगाह कर रही है इस चीज से, जैसे अंकिता को भी आगाह आप करके गए, अपने बेटे को भी करके जाती है। मैम एक चीज हम देखें, आंटी जी सॉरी बट आई रिस्पेक्ट यू एंड योर फैमिली बट दिस इज नॉट ओके विद मी। देखो ये सारी चीजें ना अननेसेसरली हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो मैंने भी वो एपिसोड देखा और उसने ऐसे कोई नहीं बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, इट वॉजन दैट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट या एट द सेम टाइम जो आपने पहले मैंशन किया कि अंकिता बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी दिखाई दे रही है, क्यों इतना एक्सप्लेन करी, लाइक आई सेड कि यू नो अब जैसे वो फैमिली वीक हुआ उसके बाद अंकिता का विक्की को लेके कि जहाँ उसको ये बोला गया कि तुम बहुत झगड़ रहे हो तुम बहुत झगड़ रहे हो, और विक्की भी उसे ये बोल रहा हाँ तू ऐसे रिएक्ट करी तू ऐसे रिएक्ट करी तू ऐसे रिएक्ट क्यों करी, तू रिएक्ट करिए तो वो बड़ा बन रहा है। अरे बट विक्की ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ओके ताली दो हाथ से बचती है, शायद मैं इतना कर रहा हूँ और अंकिता इतना रिएक्ट कर रही होगी, पर मैं इतना कर तो रहा हूँ, वो कैसे आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो डेफिनेटली चीजें सही करने में भी दोनों का हाथ होता है और चीजें खराब करने में भी दोनों का हाथ होता है, तो अगर
एंड आई थिंक अंकिता डेफिनेटली अब 13 weeks 14 weeks व्हाटएवर डाउन द लाइन एक डेफिनेटली आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं. दिस फैमिली वीक बहुत इनके लिए स्पेशली अंकिता के लिए काफ़ी ड्रेनिंग साबित हुआ क्योंकि आंटी जी ने भी दोनों आंटी जीज ने काइंड ऑफ यू नो अंकिता से ही समझने की सारी चीज़ें समझने की उम्मीद रखी जो आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल चीज़ है कि एक घर की बेटी से या बहू से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संभाल ले, है ना. अब वो संभालने में चाहे वो 50 एक्सप्लेनेशन देती रहे बीइंग श्योर कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है बट शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ. यू नो यू वॉन्ट टू काइंड ऑफ हैंडल थिंग्स नाउ क्योंकि एंड आई एम सॉरी बट विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है यार. विक्की भी तो कहीं नहीं रुक रहा है इन हिज बिहेवियर. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो वो इंटेंशन क्या है. मैं उधर हूँ नहीं. मैं किसी के इंटेंशन के बारे में ना सही बोल सकती हूँ ना गलत बोल सकती हूँ. बट अगर आपकी वाइफ को एक पर्टिक्युलर सॉर्ट ऑफ बॉन्ड नहीं अच्छा लग रहा है डोंट यू थिंक यू शुड रिस्पेक्ट. नहीं इसमें गलत क्या. और तुम मुनव्वर तुम्हारी मुनव्वर से दोस्ती है वो ऐसा क्या करती है मुनव्वर के साथ. आप दोनों के 10 clips लगा दो एटलीस्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंकिता और मुनव्वर की दोस्ती इस पर्टिकुलर टास्क के पहले तक कैसे रही है क्या उनका गिव एंड टेक रहा है. और विकी की वेरियस फ्रेंड्स के क्लिप्स लगा लो तो आपको एक बिहेवियर समझ में आ जाएगा. इंटेंशन दोनों का यही है कि भैया हमारे दोस्त हैं पर बिहेवियर नाम की भी तो एक चीज होती ना. क्यों विकी उसके दोस्ती पर कि तुम ज्यादा बैठो मत तुम ज्यादा ये तो नहीं बोल रहा ना. मे बी अंकिता उतना खुलकर ऑब्वियसली नहीं बोल पा रही है बिकॉज इट इज अबाउट अनदर गर्ल ऑल्सो. सो शी इज बिहेविंग वेरी सेंसिटिवली टुवर्ड्स द होल थिंग. शी इज हैंडलिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट. जितना कहते हैं ना कोड लैंग्वेज में हम एक मैसेज दे सकते हैं कि भाई तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ. दिस इज वॉट आई फील मे बी नॉट बट दिस इज वॉट आई फील कि भाई अब कितना खुल के बोल भाई इतना जो तुम ये हाथ मस्ती ये बंद करो. मे बी शी इज नॉट लाइकिंग दैट. बाकी तो वो घर है ही बातों का वहां पे करेंगे क्या. वहां तो बातें ही करने आए थे 3-3.5 महीने यही तो करना था बातें. इतना क्या कंफर्टेबल हो जाना. आई थिंक दैट इज वेयर अंकिता इज नॉट लाइकिंग इट. बट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक नेशनल टीवी पर है सब देख रहे हैं फंस गई है बेचारी. ऑनेस्टली आई रियली अंडरस्टैंड हर पोजिशन. फंस गई है अंकिता. उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दिल की बात कहूं या मैं बोलने के बाद उसे कवर अप करूं. यू नो फंस गई है वो. सी ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ना किसी दो कपल्स को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए. यू नो जैसे एक पॉइंट पे अंकिता का ये कहना कि तू नील की तरह क्यों नहीं करता समथिंग लाइक दैट मे बी नॉट एग्जैक्टली इट्स नॉट राइट. योर हस्बैंड इज नॉट गोना लाइक दैट यू आर कंपेयरिंग मी टू अनदर पर्सन्स हस्बैंड. और फलाना बोले कि यार तू फलाने की बीवी की तरह क्यों नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. और जैसे आप ये सवाल कर रहे कि उनकी समझदारी एज अ कपल या उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो भी आपके 4 अलग लोग हैं 4 अलग बिहेवियर्स हैं 4 अलग पर्सनैलिटीज़ हैं. नील बहुत कूल काम एंड कंपोज बंदा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि नील ने कहीं जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि ताली 2 हाथ से बचती है तो हाँ जब हम बैठे थे आई डोंट नो वो सीन वो सारे चीज़ें बातें बाहर आई हैं नहीं आई आई हैव नो क्लू. बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ऐश्वर्या बोल रही थी कि यार जब मैं समझो मेरी लड़ाई हुई है या मैं चिड़ी हुई हूँ मुझे उस टाइम चाहिए कि कोई मेरे पास ना आए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला हो छोड़ दो मुझे अपने आप थोड़ा शांत हो जाओ देन आई विल टॉक. नील को उस टाइम जैसे रहता था कि यार यू नो ये गुस्से में एंड आई वॉन्ट टू बी देयर विथ हर एंड ऑल. तो जिस दिन ऐश्वर्या ने ये मुझसे बात की और नील ने बोला कि भाई वो बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो रिंकू जी मुझे चाहिए कि यू नो थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो लेट मी काम डाउन लेट मी गैदर माई सेल्फ. और नील उस टाइम मुझे छोड़ता ही नहीं है. नील कहता है यार तू उस टाइम ऐसे होती है मुझे होता है कि मैं तेरे पास रहूँ. तो मैंने कहा बट नील यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर वो तुम्हें इतनी क्लियरली कह रही है कि नील गिव मी सम टाइम लेट मी गैदर माई सेल्फ एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट. और फिर क्योंकि वो चिड़ी हुई है एंड यू आर नॉट डूइंग वॉट शी वॉन्ट्स यू टू डू विच इज लीव हर अलोन फॉर सम टाइम तो वो और चिड़ रही है. फिर उस पर बोल रहे देखा एक तो नील तुम्हारे पास आया ऊपर से तुम और चढ़े हो. बट प्रोबेबली एट दैट मोमेंट इन दैट इमोशन नील यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू गिव हर दैट स्पेस यू नीड टू लेट हर बी. आई सेड एंड दैट इज रिस्पेक्टिंग समबडीज इमोशन ओनली. एंड लिटरली जब समझो आगे कभी ऐसा हुआ एंड नील ने वो रिस्पेक्टेबल स्पेस दी देखो फाइन. तो देखो ये चीजें वही होती है यू नो
they have been married for a year and a half to यार busy लोग हैं सारे अपने काम में busy, इसमें busy, हर चीज में busy. तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमें समझ नहीं आती है. बहुत छोटी चीज है कि अच्छा यू वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, फाइन आई लीव यू अलोन, व्हेन यू आर रेडी टू टॉक लेट मी नो. ये लिटिल लिटिल चेंजेस जो उस घर में लाए ना, उनसे उस उन चेंजेस से उन दोनों का रिश्ता और बेहतर ही हुआ. सिमिलरली विक्की और अंकिता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आज फॉर दैट मैटर अंकिता इतना इरिटेबल हो गई है कुछ चीजों को लेकर, स्पेशली विक्की की, सो विक्की अपना जैसे हम कहते हैं ना पल्ला नहीं झाड़ सकता ये कह के कि मैं कर क्या रहा हूँ. नो डूड यू कांट. इफ शी इज टेलिंग यू समथिंग, इट्स नॉट कि मैं अग्री करता हूँ या मैं अग्री नहीं करता, इट्स ओके. बट सिचुएशन को सही करने के लिए अगर वो चार चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो तुम्हें भी तो दो करनी पड़ेंगी ना, फिर चाहे वो इसी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो. यू नो एट द सेम टाइम विक्की का ये कहना तुझे तो मेरे हर दोस्त से प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं अकेला आता नहीं जाता नहीं, तू डोमिनेटिंग है, सो दीज थिंग्स आर अ लिटिल यू नो. फिर ऐसा लगता कि जैसे ये आई थिंक कल नहीं परसों के शायद एपिसोड में था कि मैं जब इन दोनों की कुछ लड़ाई चल रही थी तो विक्की ने बोला मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ जा नहीं सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कभी ये करता हूँ यू नो, एंड यू आर वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑल. तो यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट ऐसा तो नहीं कि भाई बंदे के चेहरे से लग रहा था कि झूठ बोल रहा है, शायद वो भी अपनी दिल की बात रख रहा है यू नो. और तू तो हमेशा चेहरे बनाती रहती है, मैं किसी के साथ भी हूँ क्या ना हूँ ये वो, एंड बाय मेकिंग द अदर पर्सन ऑकवर्ड कि वो बंदा चला ही जाए या बंदी चली ही जाए सॉर्ट ऑफ थिंग. आई थिंक दे नीड टू रियली अंडरस्टैंड यू नो, अगेन वही है कि वक्त के साथ आई थिंक दे'ल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर. थोड़ी मुझे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नो अंकिता विक्की के बीच में जरूर लग रही है. देखिए भैया जी, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, प्लीज वो मुनव्वर की जनता के लिए और अभिषेक के फैंस के लिए ये पोस्ट जो वो लाइन्स मैंने कही जरूर डालिएगा. मेरे लिए ये दोनों मेरे दोस्त हैं. मुझे आज कहीं सोशल मीडिया पर ये भी दिखा जहाँ मैंने डाला है कि माय बॉयज आर इन द फिनाले मुनव्वर एंड अभिषेक, तो किसी ने लिखा भाई मनारा और अरुण जी भी हैं. अब तहलका भाई अरुण जी के लिए काफ़ी यू नो कर रहे हैं, मुनव्वर अभिषेक के लिए नहीं कर रहे. इसका क्या मतलब होता है कि तहलका भाई के दोस्त अरुण जी है सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली वो अपने दोस्त के लिए करना चाहते हैं. सिमिलरली मनारा के जो दोस्त होंगे वो मनारा के लिए कर रहे होंगे सपोर्ट, मनारा के फैंस सपोर्ट कर रहे होंगे. बट मेरे लिए इस वक्त उस घर में जो मेरे नजदीकी दोस्त हैं जिनसे मैं यू नो जब भी वो बाहर आए मैं उनके साथ अपनी दोस्ती कायम रखना चाहूंगी, तो वो है मुनव्वर और अभिषेक. तो मैं अभिषेक और मुनव्वर को ही देखती हूँ और मैं अभी भी अपने अल्फाजों पर टिकी हुई हूँ कि सलमान सर के दोनों हाथ में एक एक हाथ होगा, अभिषेक का और मुनव्वर का, और दोनों में से कोई भी हाथ ऊपर जाए आई बी वेरी हैप्पी फॉर हूएवर दैट इज. मेरे लिए दोनों विनर्स है, लिटरली मेरे लिए दोनों विनर्स है, एज सिंपल एज दैट. बाकी ऑफकोर्स फैंस को ऑडियंसिस को कौन जीता, मेरे लिए मेरे दोनों दोस्त विनर्स है. तो दैट इज माई आंसर टू योर क्वेश्चन. यू नो मैं बहुत सिंपल हूँ, अपने काम पर जाती हूँ, काम ख़त्म करके अपने घर आ जाती हूँ. और मैं इतनी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं थी. मुझे बहुत लोगों ने, मीडिया के ही कई लोगों ने मुझे बोला था आपका सोशल मीडिया बहुत ख़राब है. ऐसे अब हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, तो भाई मैं सोशल मीडिया में उतनी एक्टिव नहीं हूँ. मतलब मुझे नहीं समझ में आता मैं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं वो सब नहीं डाल सकती. सो कभी कभार एक आध फोटो डाल दी, उस पर 25-50 लाइक आ गए, मैं उसी में बड़ा खुश हो जाती थी. तो अगर बिग बॉस की जर्नी में जो मेरी ज़िंदगी में कुछ बदला है एज ऑफ नाउ, डेफिनेटली सोशल मीडिया. बाप रे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. एंड मैं तो अभी भी अपने आप को बाकियों से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली जो यू नो जो कंपेयर करते हैं उनकी नज़रों में तो आज भी मेरा सोशल मीडिया इज़ लाइक डूइंग प्रिटी ओके. बट भाई सोशल मीडिया बदल गया, मतलब ऐसा हो गया कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो हर 5 मिनट में आप कुछ ना कुछ उस पर कर रहे हो. तो वो मेरे लिए बड़ा एक ऐसा जॉब हो गया करना, यू नो टू बी देयर ऑनलाइन. बट आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. मतलब आई लाइक टू रीड, सो आई प्रिफर रीडिंग. अगर मैं वाकई बिग बॉस के इसमें जाऊँ तो एंट्री ही आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपका किसी के साथ कुछ हुआ भी नहीं है. करेक्ट, मतलब yes. मेरी ऐसी कोई यू नो ऐसी दुश्मनियाँ मेरी किसी से नहीं हुई है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं इनसे नहीं मिलना चाहती.
बट अगर इस सवाल का वैसे जवाब देना है तो फिर आई थिंक यू नो मैं मिलूंगी सबसे, आई विल नॉट हैव दैट थिंग, बट ये है ना कि मैं कईयों को कितना एट कीप समबडी एट वन आर्म्स लेंथ, तो कुछ लोगों को मैं ऐसे रखना चाहूंगी कि भाई तुम इतने डिस्टेंस पे ठीक हो, तुम कुछ लोगों को मैं अपने नजदीक नहीं लाना चाहूंगी, आई विल आंसर इट लाइक दैट, क्योंकि अब फिनाले आएगा डेफिनेटली हम सबसे मिलेंगे, बट आई डोंट नो आई एम नॉट श्योर. हाँ मतलब मैं कई लोगों से फिनाले पे मिलना पड़ेगा, पर वैसे मैं किसी को कॉल करके मिलना चाहूंगी तो वो मुनव्वर, अभिषेक, जिग्ना जी, नील, ऐश्वर्या, इन 5-6 लोगों से मैं पर्सनली कॉल करके इन टच रहना चाहूंगी और इनसे मुलाकात करना चाहूंगी, इन्हें अपने घर बुलाना चाहूंगी, और आई थिंक बाकियों से काइंड ऑफ ठीक है, यू नो मिलेंगे मिलेंगे अच्छा लगेगा, बट दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट आई वुड लाइक टू नो अंकिता, यू नो, एंड जो मैंने उसे घर के अंदर भी बोला था कि मैं तुम्हें और जानना चाहूंगी, पर मुझे लगता है ये चीज़ हम बाहर ही कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो अंकिता लिटिल मोर, दैट इज इफ शी इज़ विलिंग टू. कुछ बातें चल रही हैं, बट ऑफकोर्स आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम टिल दोज डॉटेड लाइन्स आर नॉट साइंड. एंड बस बहुत अच्छा लग रहा है यार सब कुछ, और बहुत अच्छा ही होने वाला है. सो राइट नाउ आई एम जस्ट बीइंग पेशेंट एंड आई एम एंजॉयिंग दिस होल बिग बॉस के अंदर की जर्नी और बिग बॉस से आने के बाद बाहर की जर्नी भी, और एपिसोड्स देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए बुरा लग रहा है, पर अच्छा उनके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि इसीलिए वो हीरो नजर आ रहे हैं, यू नो. अनफॉर्चुनेटली घर वालों को रियलाइज नहीं हो रहा कि जो वो कर रहे हैं उन्हीं की हरकतें इन्हें हीरो बना रही है, विच इज़ गुड फॉर माई फ्रेंड्स. लास्ट मैसेज टू माई फैंस एंड ऑडियंसेस कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, और मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मुझे आपका उतना ही प्यार और सपोर्ट चाहिए. आई विल ट्राई एंड गिव माई 110% इन एवरीथिंग दैट आई डू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन बिग बॉस फॉर 11 वीक्स. थैंक यू.